स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फिफ्थ एंड सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश रीडर। ओके बेटे, इंग्लिश रीडर के 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 की हम एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके बेटे, सो ओपन योर बुक्स ऑन चैप्टर 3। चैप्टर 3 पे अपनी बुक ओपन कर लेंगे। इट इज़ योर एक्टिविटी फर्स्ट, आपकी पेज नंबर 131 पर एक्टिविटी 1 दी हुई है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। ओके बेटा, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। सही सेंटेंस है क्या? नहीं, वो कैसे थे? उनको प्यास लगी थी वो पानी पीने के लिए। फॉल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम। फॉल्स, ऐसा नहीं था। द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। True. The elephants were shouting for help. True. Elephants जो थे वो मदद के लिए पुकार रहे थे। Next, turn the page. See बेटा, on page number 132, look at the following images and arrange them in correct order by numbering. दैम, इनको नंबर देना है। ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें इनको अरेंज करना है। ओके बेटा, तो फर्स्ट व्हाट हैपन, फर्स्ट ये फर्स्ट पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा कि जो एलिफेंट्स थे वो जहाँ रैट्स रहते थे उनके होम से निकल कर गए थे एक बार, है ना, गए थे ना फर्स्ट टाइम। फिर क्या हुआ था? फिर जो मूसक राज था वो गजराज के पास गया। 2 आएगा यहाँ पर, नंबर 2। देन आफ्टर, एलिफेंट्स जो थे उनको नेट में किसी ने पकड़ लिया था, 3 आएगा। और फिर रैट्स ने एलिफेंट्स को फ्री कर दिया, 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। Why did the elephants pass through the area where the rats live? उस एरिया से एलिफेंट्स क्यों निकले जहाँ पर रैट्स रहते थे? तो द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर। दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की खोज में वहाँ से निकले थे। ओके बेटे, सेकेंड क्वेश्चन है, Why did the kings of rats request the elephant chief to guide his herd to guide his herd through another route? चूहों का जो राजा था उसने एलिफेंट के चीफ को अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए क्यों कहा? The king of rats requested the elephant, जो चूहों का राजा था उसने एलिफेंट के चीफ से रिक्वेस्ट की टू गाइड इज हर्ड थ्रू अनोदर रूट, दूसरे रास्ते से जाने के लिए, बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स, क्योंकि चूहों के कई घर वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे अंडर द बिग फीट ऑफ द एलिफेंट। हाथी के बड़े बड़े पैरों के नीचे चूहों के कई घर नष्ट हो गए थे। And some rats were also killed. और कुछ rats भी मर गए थे। इसीलिए चूहों के जो राजा थे उन्होंने गजराज से request की। Third question है, Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? चूहों के राजा ने elephants की help करने के लिए क्यों कहा? सी बेटा,
द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स, चूहों के राजा ने एलिफेंट्स को हेल्प करने के लिए कहा, व्हेन नीडेड, जब उनको ज़रूरत होगी, बिकॉज क्योंकि गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि गजराज ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया था, टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड, पॉन्ड पर जाने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया था, इसीलिए चूहों के राजा ने कहा कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम एलिफेंट्स की मदद करेंगे। नेक्स्ट, Why were the elephants shouting one day? एक दिन elephant क्यों shout कर रहे थे बेटा? The elephants were shouting for help. Elephant मदद के लिए shouting कर रहे थे, because क्योंकि they were caught in traps kept arranged by some hunters. क्योंकि वो hunters के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे, इसीलिए वो हेल्प के लिए पुकार रहे थे। नेक्स्ट है बेटा, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट, रैट्स ने एलिफेंट की मदद कैसे की? द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, चूहों ने अपने पैने दांतों से रोप को काटना शुरू कर दिया। सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्द ही सारे हाथी आज़ाद हो गए। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये जो एक्सरसाइज है बेटा आपके एग्ज़ाम में आती है, तो आप वैसे तो सारा सिलेबस आएगा, लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइज अच्छे नंबर गेन करती है, यानी आपको आंसर्स भी दिए हुए होते हैं और आपको सिर्फ चूज करके लिखना है, तो आप ये एक्सरसाइज ध्यान से करें, अच्छे से करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। ओके बेटा, महेश ऑलवेज ब्लैंक टू प्ले क्रिकेट, तो महेश ऑलवेज रेडी, आई एम जस्ट गिविंग नंबर टू देम, यू जस्ट राइट डाउन इन दिस बुक, मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ बेटा, आप बुक में लिख लीजिएगा, ओके फिल कर लीजिएगा। रेडी फर्स्ट आएगा, ही डॉट 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 फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, ही क्विकली, से टू आएगा यहाँ पर, क्विकली, ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। नेक्स्ट है, यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द बिहाइंड माई हाउस, इन द बिहाइंड माई हाउस, तो इन द पॉन्ड थर्ड आएगा, थ्री आएगा यहाँ पर, थ्री, ये थ्री है, ओके बेटा, थ्री। फोर, माय फादर डॉट 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 टू टेक मी टू द फेयर टुडे, तो माय फादर प्रॉमिस्ड, फोर। फिफ्थ है, द फॉक्स वॉज कॉट इन अ ट्रैप, सिक्स, सुमन हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, सुमन रियलाइज्ड, सिक्स आएगा। आई सॉ अ ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ हर्ड, सेवन आएगा, ओके। द लायन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा, बट द जेब्रा सेंस्ड द एंड रन अवे, डेंजर, एट, ओके। सो यू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, यू राइट डाउन दीज वर्ड्स इन दीज फिलअप्स, आप ये फिलअप्स में लिख लोगे ये वर्ड्स, ओके बेटा। नेक्स्ट है, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखो ये एच ई आर डी हर्ड और एच ई आर ई ए आर डी हर्ड, ये दोनों वर्ड्स का प्रोनंसिएशन सेम होता है। इन द लेसन यू केम अक्रॉस टू वर्ड हर्ड और हर्ड, डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, क्या आपने ध्यान दिया इनके बारे में स्पेशल क्या है? दे हैव डिफरेंट स्पेल्स, स्पेलिंग्स, इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, बट दे आर स्पोकन द सेम वे, दोनों को ही हर्ड बोलते हैं। दैट इज
देर इज़ नो डिफरेंस इन दियर प्रोनंसिएशन, इनके प्रोनंसिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है. सच वर्ड आर कॉल्ड, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? होमोफोन्स. यानी होमोफोन्स कौन से वर्ड होते हैं जिनके स्पेलिंग्स तो डिफरेंट होती है बट प्रोनंसिएशन सेम होता है. अ पेयर ऑफ होमोफोन्स इज गिवन विद इन द ब्रैकेट फॉर ईच ऑफ द सेंटेंस ब्लो. सेलेक्ट सूटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको एक सूटेबल वर्ड चूज करना है. तो मिस्टर जैन हैज अ डॉटर एंड अ, कौन सा आएगा इसमें से बताओ? एसओ एंड सन. ओके, देयर आर सेवन डेज इन अ, क्या आएगा बताओ? कौन सा आएगा? वीक. देयर आर सेवन डेज इन अ वीक. आई कुडंट व्हाट द टीचर सेड, आई कुडंट हियर. ठीक है बेटा. द लाइन रेन आफ्टर डियर, द लाइन रेन आफ्टर अ डियर. माई यंगर सिस्टर इज टू, टी डब्ल्यू ओ, टू ईयर्स ओल्ड. नाउ टर्न द पेज. On page number 134, Raju will buy a new cap from the fair. तो new buy, बी यू buy, buy means खरीदना. Your name in bold, right? R I W R I G H T, right? Sunil, how to ride a bicycle? Sunil knows. KNOWS knows. India, the final match. India won the final match. WON won. Carrot is a vegetable. Root vegetable. There are two of plant in my garden. Two rows of plant in my garden. Activity third. In the lesson you read, when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants. This sentence talked about an action which took place when another action was in progress. ये जो sentence है ना बेटा, हमको ये बताता है कि ये खेल रहे थे, एक action पहले से चल रहा था, दूसरी जो घटना घटित हुई वो एक घटना घट रही थी उसी समय घटित हुई. ये हमें sentence से पता चलता है कि दो जो एक्शन है, टू एक्शंस हैं, वो एक साथ हो रहे हैं. हेयर आर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ आपको और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. लुक एट देम, इनको आप देखेंगे. सी हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. तो ध्यान से देखिए बेटा. व्हेन सुमित वॉज डूइंग, सुमित वॉज डूइंग हिज वर्क, जब अपना वर्क कर रहा था, वॉज डूइंग हिज वर्क, हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर. वह अपना वर्क कर रहा था, मदर ने उसको बुलाया. व्हेन वी वर प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, मोहन हर्ट हिज लेग, फुटबॉल खेलते समय मोहन के पैर में चोट आ गई. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है. ओके बेटा, तो देखो, व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ही, ये देखो आपको वर्ब्स दी हुई हैं, ही फाउंड अ 10 रुपी नोट अंडर अ ट्री. यहाँ भी देखो कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकेंड फॉर्म. तो हम यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म फिल करेंगे. यहाँ देखो कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकेंड फॉर्म. तो हम भी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म फिल करेंगे. व्हेन आई वॉज Doing my homework, my friend came. C-A-M-E, came, second form. Come की आएगी. ये verbs दी हुई हैं यहाँ पर आपको. When the students were making a noise, the teacher engaged दिया हुआ है. तो engaged,
ENGAGED engaged them in a group. When Neenu was feeling hungry, her mother halwa for her cooked. Okay, bete. Next hai. When my father was taking a bath, his mobile rang. Second form aayegi, ring ki, RANG, ring. When Nidhi was learning her lesson, her younger brother, a glass of water, bring di huye na, brought, BROUGHT. BROUGHT brought, okay, for her. एक्टिविटी फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है बेटा? फ्रॉम अ पेयर विद योर पार्टनर. अब आपका पार्टनर तो कोई है नहीं, आप कैसे करोगे? तो ये एक्सरसाइज आप खुद से रीड करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है. एक बार मैं रीड कर देती हूँ. वन ऑफ यू विल प्ले द रोल ऑफ मूसक राज एंड द वन अदर एंड द अदर वन विल एक्ट एज गजराज. आप अपने पार्टनर के साथ खेलेंगे, उनमें से एक मूसक राज बनेगा और एक गजराज. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी यू हैव रीड, जो स्टोरी आपने रीड की है, पिक अप सुटेबल लाइन्स फ्रॉम द बॉक्स ब्लो एंड एनेक्ट अ डायलॉग बिटवीन मूसक राज एंड गजराज. ओके बेटे, आपको डायलॉग कनेक्ट करने हैं. ओके, सो दिस एक्सरसाइज आप खुद से रीड करोगे. ओके बेटा, सो आर चैप्टर थर्ड इज कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर फोर करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.